अब्दुल समद शेख, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आज मैं आया हूं ईस्टर्न एंजल फाउंडेशन की चीफ साइस्ता लकड़ावाली जी के ऑफिस में। आज आपको मालूम है हमारे देश में इतना दर्दनाक कांड पिछले एक हफ्ते से दो हफ्ते से हो रहा है, महिलाओं के साथ इतना बड़ा कांड हो रहा है। आज लोग सो रहे हैं, नेता सो रहे हैं, मंत्री सो रहे हैं, पुलिस सो रहे हैं। सबसे पहले कांड हुआ दिल्ली में, सिविल डिफेंस में काम करने वाली एक लड़की का रेप हुआ और उसके जिस्म के हर एक पर्सनल पार्ट्स को काटा गया। और इतनी दरिंदगी कोई दूसरे लोगों ने नहीं किया, सिविल डिफेंस में काम करने वाले साथी ने किया, उसमें एक महिला भी शामिल थी। उसके बाद परसों यानी मुंबई में साकीनाका इलाके में एक 30 से 32 साल महिलाओं का टेम्पू में रेप किया गया। और सिर्फ रेप नहीं किया गया, उनके पर्सनल पार्ट्स में रट डाल दिया गया, जिसके वजह से उसकी मौत कल हो गई। ये दर्दिंदगी के सुन करके आदमी के रोंटे खड़े हो जा रहे हैं। ये दर्दिंदगी कब तक रुकेगा, ये रेप कब तक कब थमेगा, ये महिलाओं के साथ इस तरीके का कांड कब तक होगा, इसको सुनकर आप कब तक सुनते रहेंगे, इस तरीके के कांड आप कब तक सुनते रहेंगे, इसको जल्द से जल्द रोका जाए। साइस्ता लकड़ावाली जी ने कहा कि हम रोड पे उतरेंगे और हम जल्दी धरना प्रदर्शन करेंगे और उसको फांसी की सजा जब तक नहीं मिलेगी हम ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इस सिलसिले में वो कल पुलिस चौकी जाकर के लेटर देने वाले हैं और वो महिला के साथ जो कांड हुआ मुंबई में उनके घर पे जाने वाले हैं, या अपनी महिला टीम के साथ उनके घर पे जाने वाले हैं। ये दर्दनाक घटना हुई है और उसको फांसी से कम की सजा नहीं मिलनी चाहिए। इन्होंने तो बहुत कुछ कहा कि जैसा उनके साथ हुआ है वैसा ही आरोपी के साथ हो, आरोपी को कम से कम इतनी कड़ी सजा मिले, इतनी कड़ी सजा मिले कि लोग 50 बार सोचे नज़र उठाने के लिए। ये कांड कब रुकेगा, ये सरकार से साइस्ता लकड़ावाला जी ने पूछा है। कैमरामैन शादाब के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई। निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में लोग आंदोलन किए, धरना किए, कैंडल मार्च किए और रात दिन इसके पीछे लगे रहे कि महिलाओं के साथ ऐसा फिर दोबारा कांड न हो। और उसमें लोगों फांसी भी हुई, उसमें फांसी भी हुई, सजा भी मिली। उसके बाद लग रहा था कि ये कांड रुक जाएगा, ये अत्याचार रुक जाएगा। आखिर लोग इस तरीके का कांड करते ये क्यों नहीं समझते कि हमारे घर में भी माँ है, हमारे घर में भी बहन है, हमारे घर में भी बेटी है। निर्भया कांड के बाद दोबारा जो कांड हुआ अभी जो दिल्ली में अभी वो सिविल डिफेंस में काम करने वाली एक बच्ची के साथ हो गया, दोबारा यहाँ कल साकीनाका में हो गया परसों और कल उसकी मौत हो गई। तो इस मामले में लोग सिर्फ बात करते हैं, आखिर रोड पे क्यों नहीं उतरते, कैंडल मार्च क्यों नहीं करते। सरकार जो सरकार है, MLA, MP, गवर्नमेंट का घेराव कीजिए। आप ये कब करेंगे? देखिए देखिए, कैंडल है ना 500 रुपए किलो मिलती है कैंडल, ये आप बोल रहे हो ना कैंडल मार्च करो, तो कैंडल मार्च के बाद एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है। कैंडल मार्च नहीं, प्रदर्शन ऐसा कीजिए, एजिटेशन कीजिए, धरना मोर्चा कुछ भी कीजिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरी बात तो कर ही रही हूँ कि मैं हेल्प करने को तैयार हूँ। मैं तमाम उन महिलाओं को, महिला संस्था जो चल रही है, NGO चल रहा है, फाउंडेशन चल रहा है, मैं गवर्नमेंट को बोल रही हूँ, BJP को बोल रही हूँ, कांग्रेस को बोल रही हूँ, उन तमाम पार्टी को, नेता को मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि आप उन अपराधियों को ऐसी सजा दी जाए कि नेक्स्ट टाइम कोई करने वाला होगा ना वो भी डर जाएगा कि कोई महिला को। देखो घरेलू हिंसा अलग बात हो गई, रेप के बाद इनको बेपरवाह से उनको मार दिया जाता है औरत को, और इसके बाद बहुत टाइम के बाद एक अपराधी को पकड़ के पुलिस बोलती है कि इसने ये कांड किया था, राइट। मेरी बात सुनो, मैं गवर्नमेंट को एक अपील करती हूँ कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए कि ये काम करने वालों को ऐसी सजा दी जाए ना कि नेक्स्ट टाइम कोई ये काम नहीं करेगा, क्योंकि औरत है, औरत को इस चीज से कैसे इतना दर्द कितना हुआ होगा। जो सेबी की बात करूँ तो सेबी का पूरा तन को काटा गया था, काट के बाद उसका सामूहिक बलात्कार किया है उसके साथ, और अभी जो साकीनाका का 30 साल की जो औरत को टेम्पो में रेप करके जिस तरीके से उनको मारा गया, तो मैं तमाम लोगों को तो फिर ये मैं दिल्ली पे बोल चुका हूँ। कल मुंबई कमिश्नर ने ये कहा है कि 10 मिनट में हमारी पुलिस पहुंच गई, जो कल साकीनाका कांड 10 मिनट में हमारी पुलिस पहुंच गई। लेकिन उन्होंने एक बात और बोला है जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा है कि हमारी पुलिस हर जगह पे तो नहीं रह सकती, क्यों नहीं रह सकती। ऐसे तो बोलते हो कि हर एरिया में मोबाइल घूमती है पुलिस की, पुलिस क्यों नहीं रह सकती। ये तो बोलते हैं लेडीज का हेल्पलाइन नंबर दिया गया है कि लेडीज पे कोई भी अपराध हो तो ये नंबर पे डायल करो, पुलिस आ जाएगी।
ऐसे कैसे पुलिस नहीं रह सकती है। आप इस मामले को लेकर के सरकार पुलिस चौकी का घेराव हुआ या मंत्रालय का घेराव हुआ या आप रोड पे कब उतर रहे? मैं उतरूंगी थर्सडे को, मैं कैंडल मार्च करूंगी मालवानी एक नंबर से आठ नंबर में काम कर रही हूँ, मैं मलार में कर रही हूँ, ऐसा नहीं मालवानी, मैं पूरे मलार में काम कर रही हूँ। तो मैं कैंडल मार्च, आप ये शांति मार्च निकालने वाले हो? जी जी जरूर निकालूंगी, शायद उससे कोई रास्ता हल हो जाए, शायद इससे लोगों को पता चल जाए कि नहीं आज भी पब्लिक जागरूक है, एनजीओ जागरूक है, आज भी हमें काम कर सकते हैं। आप मुंबई कमिश्नर और सरकार से क्या मांग करना चाहती इस मामले को लेकर के? मैं मुंबई पुलिस और गवर्नमेंट से ये बोल रही हूँ कि इन जुल्म जो हो रहा है उनकी तहकीकात तक जाए कि क्यों हो रहा है, क्या रीजन है कि इतनी बेबरता से लोगों को महिलाओं को मारा जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि उसकी पूरी तरह से जांच करें और जो ये क्राइम करने वाले हैं, जिसने ये अपराध किया है, वो उसको कठिन से कठिन सजा मिले। कितने तारीख को आप ये कैंडल मार्च या जो मेरे ख्याल से थर्सडे फ्राइडे को, तारीख बताइए। तारीख मैं आज मीटिंग करूंगी, अभी मैं शाम को ही सब महिलाओं को बुला रही हूँ और इसके बाद मैं डिसाइड करके मैं डेट फिक्स नहीं करूंगी, पर मेरे ख्याल से एक दो दिन में ये काम करने वाली हूँ, क्योंकि ये करूंगी तभी तो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, जागरूक होंगे। ये जो कांड दिल्ली का कांड हो या मुंबई का कांड हो, साकिनाका का हो या वो जो सिविल डिफेंस में काम करने वाली बच्ची है जिसकी मौत हुई, इनकी भी मौत हो गई है, दोनों का रेप हुआ, तो इस मामले में आप गवर्नमेंट से कैसी मांग करेंगी कि उसको सजा कैसी मिलनी चाहिए? जैसा उनके साथ हुआ उनको इस तरह से उनको मारा जाए, मतलब मारा जाए या उसको सख्त से सख्त सजा मिले, फांसी की सजा मिले, फांसी की सजा में वो मजा, फांसी की सजा में वो मजा नहीं है, फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए। फांसी की सजा में वो मजा कैसा है कि जब लड़का मर गया, जैसा वो औरतों को मारा गया है ना, वैसा उनको पहले तो उनको तड़पाओ ताकि दूसरे लोग क्राइम करने वाले डर जाएंगे कि वाह क्या मारा है गवर्नमेंट ने। लेकिन कानून तो अपने हिसाब से काम करेगी, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या करूं, दिल की झलस है निकाल रही हूं मैं, दिल की बड़स निकाल रही हूं मैं। ये बताइए, बहुत सारी महिलाएं या आदमी हैं संस्था का नाम लेके, एनजीओ का नाम लेकर के पुलिस चौकी के ऑफिसर को धमकाते हैं कि भाई मैं वहां से आई हूं, मैं ये संस्था से आई हूं, मुझे ये लोगों ने भेजा है, आप नहीं काम करोगी तो देख लूंगा। इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए समझिए, मैं अभी कुछ हफ्ता भर हुआ मुझे इस बात को, मैं एक पुलिस स्टेशन में गई थी, मुझे कोई काम की वजह से पुलिस स्टेशन जाना पड़ा और वहाँ मुझे ये पता चला कि औरतें फाउंडेशन का नाम लेके या फिर कोई बड़े नेताओं का नाम लेके पुलिस से कोई काम निकलवा रही है कि भाई नहीं तुम ये मेरी कंप्लेंट दर्ज नहीं करोगे तो मैं ऊपर से कॉल करवाऊंगी। किसके फाउंडेशन का नाम? मेरा फाउंडेशन के नाम से भी काफ़ी ऐसा हुआ है, तो मैं जब तक मैं नहीं बोलती वहाँ तक कोई अगर मेरे फाउंडेशन के नाम से आता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं रहती। दूसरी बात, मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है उस उन लोगों पे कि कोई भी औरत आकर आपको बोलेगी कि मैं ये मंत्री को जानती हूँ, संतरी को जानती हूँ, उसको जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, तो पुलिस फटाफट उसकी कंप्लेन लेती है। ये भी नहीं बोलती कि एक बार मेरे को कॉल आने दो, बाद में मैं कंप्लेन दर्ज करूंगा। तो ये तमाम जो ऐसी भी महिलाएं हैं जो पुलिस, आपके कहने का मतलब कि पुलिस दबाव में नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, जबकि पुलिस पहले दब जाती है कि ओ बाबा मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे ऊपर से कैसा ना हो किसी का कॉल आए। तो पुलिस वालों को, पुलिस तमाम पुलिस के जो जितने भी अधिकारी हैं जो कंप्लेन लेने बैठे हुए हैं, कोई महिला अगर बोले धमकाए कि मैं उसको जानती हूँ तुम कंप्लेन ले लो, तो पुलिस को ये बोलना चाहिए कि काम करो, उनका कॉल आने तो बाद में मैं लेता हूँ, और दोनों पार्टी की दोनों की सुन के फिर कंप्लेन लेना चाहिए। यस यस, मेरा ये कहना है कि ऐसी महिलाएं भी है, ऐसा नहीं है कि जो ऐसा ऐसा काम करती है। अगर अगर ऐसा कोई मिसगाइड करता है, लड़की करती है या लड़का करता हो, कोई भी आदमी अगर पुलिस को ऐसा करती है तो उसको भी तो सजा मिलनी चाहिए झूठ बोलने के लिए। हाँ जरूर मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। अभी मेरे को देखो, मैंने बोला कि मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, मेरा स्टार एंजल फाउंडेशन है, लेकिन मैं अभी पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ, मैं अभी कांग्रेस ज्वाइन कर रही हूँ। ओके, मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रही हूँ इसलिए कर रही हूँ कि मुझे आई लव कांग्रेस, मैं कांग्रेस की पहले से ही मैं इनकी फैन रह चुकी हूँ, और मैंने जब सोचा कि मैं कोई सोशल लेफ्ट का काम करूंगी तो मैं कांग्रेस के साथ मिलके ही काम करूंगी। राज सवाल अभी कांग्रेस का, तो मैं जरूर असलम भाई का नाम लूंगी, सर जी का नाम लूंगी, तो मैं असलम से के बहुत अच्छा, उनके काम से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ, और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि असलम भाई का नाम लेके अगर किसी ने भी पुलिस चौकी में ये बोला कि आपने कंप्लेंट नहीं लिया तो मैं भाई से बात कर रहा हूँ, ऐसी कोई अगर मुझे पता चला कि गलत असलम भाई का नाम लिया जाता है तो मैं किसी को बख्शूंगी नहीं, घर में घुस के मारूंगी।
साहिस्ता जी भी हाल ही में दिल्ली में सिविल डिफेंस में काम करने वाली रबिया सैफी जी के साथ बहुत दरिंदगी हुई, उनका रेप हुआ, सिर्फ रेप नहीं हुआ, उनके सर से लेके पैर तक उनके जिस्म के अलग अलग पार्ट्स को इंजर्ड किया गया और काटा गया, और इतनी दरिंदगी की, इसमें कोई दूसरे लोग शामिल नहीं थे बल्कि सिविल डिफेंस में काम करने वाले ही लोग शामिल थे और उसमें एक महिला भी शामिल थी, उस लड़की की मौत हुई। दूसरा ये कि दिल दहला देने वाली खबर कल परसों साकिनाका मुंबई से आई कि एक लड़की के साथ जो 30 साल की एक महिला है उसके साथ टेम्पो में रेप हुआ, और सिर्फ रेप नहीं हुआ, उनके पर्सनल पार्ट में उस रड को डाल दिया गया, उस लड़की की कल मौत हो गई। आज ये रेप रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये दिल्ली में आए दिन सुनने को मिल रहा है, लेकिन आज मुंबई जो कैपिटल राजधानी हम बोलते हैं, इस तरीके के महिलाओं के साथ हो रहा है, और कहाँ पुलिस नाकाम है, कहाँ गवर्नमेंट नाकाम है, और ये रुकेगा कैसे, आप इस पर रोशनी डालिए। समझ जी, जो आप बोल रहे हो ये बहुत शर्मनाक घटना है। दिल्ली का जो सैफी के बारे में बोलना चाहती हूँ कि ये सबसे बड़ी शर्मनाक घटना हुई है, और क्या बोलूँ मैं, मुझे खुद को शर्म आती है ये बोलते हुए कि एक महिलाओं के साथ जो अत्याचार अभी जो हो रहा है। चार दिन सब लोग ये चर्चा का विषय बनाते हैं, बड़े बड़े मोर्चे करते हैं, सब लोग उनके घर पे जाते हैं, आश्वासन देते हैं, फैमिली को आश्वासन देते हैं, बड़ी 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 बातें होती है, और इसके बाद वो चीज़ वहीं पे समाप्त हो जाती है। पुलिस बहुत देर से काम क्यों कर रही है ये मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, कि जब सामने वाले के साथ इतनी बड़ी घटनाएं घट रही है और पुलिस उस ना कोई आरोपी को पकड़ रही है, बल्कि वो देख रहे, वेट एंड वॉच कर रही है कि कब कोई अपराधी आए, हम इसको धर दबोच ले। सबसे मुझे आज बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ को लेके, कि काफ़ी मुंबई के अंदर जो साकिनाका में 30 साल की महिला के साथ जो टेम्पो में जो रेप हुआ, रेप के बाद उसकी जो बोलने में अजीब सा लग रहा है कि ऐसा भी कोई हैवानियत भरा काम कर सकता है। मैं फाउंडेशन चलाती हूँ, महिला के खिलाफ एक आवाज़ भी उठाती हूँ, स्टार एंजल फाउंडेशन, और मैं महिलाओं के खिलाफ भी आवाज़ उठाती हूँ, लेकिन मुझे भी खुद को शर्म आती है कि मैं क्या कर रही हूँ। देखो मैं क्या कर रही हूँ, तमाम एनजीओ है, बड़ी बड़ी बातें करे तो जाओ ना, हेल्प करो, लोग मिलो, मैं इससे पहले के इंटरव्यू में बोल चुकी हूँ कि मुझे लोग मिलो, मैं सबके साथ मिलने को तैयार हूँ, मैं मोर्चा निकालने को तैयार हूँ, मैं उनके घर पे जाके इनको हमदर्दी आश्वासन देने को तैयार हूँ, मैं लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ, और मैं करूँगी, ऑफकोर्स करूँगी। मैं दिल्ली तो अभी फिलहाल नहीं जा सकती हूँ, लेकिन मैं साकिनाका जरूर जाऊँगी, उस पीड़ित महिला जो अभी उनका डेथ हो चुका है, मेरे ख्याल से डेथ हो चुका है उनका, तो मैं उनकी फैमिली को मिलूंगी, और मेरे से जितना हो सकेगा उनको ये आश्वासन दूंगी, सहायता करूंगी। लेकिन मैं ये जो बोल रही हूँ, करके दिखाऊं तो जानू कि मैं करके दिखा रही हूँ, लेकिन मुझे अभी पुलिस है, गवर्नमेंट है, उनको अभी ये महिलाओं का अत्याचार रोकना चाहिए।